छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर हाईकमान ने भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दिल्ली तलब किया था। वहीं राजनीतिक गलियारों में अटकलें थीं कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के रूप में अब टीएस सिंहदेव सत्तासीन होंगे, लेकिन दिल्ली से लौटने पर विमानतल पर भूपेश बघेल का जिस तरह स्वागत हुआ उससे यह साफ हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के 2.5 साल का राग अलापने के सवाल पर बघेल ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम करती आई है, परिणाम सामने है। 15 साल राज करने के बाद भी 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी वैसे भी परेशान है, यहाँ किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, वो सबसे बड़ी चुनौती वो मानते हैं, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके पास भारतीय जनता पार्टी के इसके कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके 18 तक लगातार पर भरोसा तीन भरोसा सरकार रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी है छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 14-15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2.8 करोड़ लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है।